VSCC 24 News, सच के आगे कोई नहीं। शालीमार बाग एडी ब्लॉक रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें ब्लॉक के सदस्यों ने दीपावली सजावट के सामान की स्टॉल लगाया और संवेदना गैर सरकारी संगठन की ओर से व्यवसायिक कार्यक्रम किया गया। उसमें शिक्षा सेटअप कोचिंग की कक्षाएं व लोगों को मार्गदर्शन परामर्श व्यक्तिगत विकास सिलाई पाठ्यक्रम सशक्त कौशल और विकास का आयोजन किया और RWA के सभी सदस्यों ने कार्यक्रम के बारे में बताया और अपने अपने विचार रखे और RWA के अध्यक्ष प्रेम वर्मा और उनके सभी साथियों ने मीडिया से बात की और ब्लॉक के सभी सदस्यों को बोला गया कि ऐसा प्रोग्राम आगे भी करते रहेंगे। शालीमार बाग की विधायक वंदना कुमारी जी ने भी RWA की तारीफ की और ऐसे ही प्रोग्राम शालीमार बाग के सभी ब्लॉक में होना चाहिए। आज हम आए हुए हैं दिवाली मेला जो आयोजन किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा RAW शालीमार बाग में। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम शालीमार बाग में दिल्ली के MLA। तो मैम, हमारे डिजिटल चैनल के लिए आप थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहिए। देखिए, मैं तो शालीमार बाग की विधायक हूँ जी और ये हमारे एरिया में AD ब्लॉक शालीमार बाग में इस तरह की दिवाली का आयोजन RWA के माध्यम से कराई जा रही है और यहाँ पूरा महिलाओं की टीम मिलके मैं यहाँ की आर्ट एंड कल्चर टीम है वो टीम कर रही है और इसमें छोटे से छोटे मेले में क्या होता है, लोगों को अपने अपने प्रमोशन का मौका मिलता है, लोग अपने आप को अपने बिजनेस को प्रमोट कर पाते हैं और उससे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। जो अधिकांश जो प्रोडक्ट है वो हैंडमेड है और लगातार लोग अपने घरों में साल साल से बना रहे होते हैं और उस प्रोडक्ट को यहाँ प्रमोट करते हैं और बहुत सारी यूनिक चीज़ है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी जो यहाँ मिल रही है। तो मैं फिर से RWA की पूरी टीम, आर्ट एंड कल्चर की पूरी टीम और जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं, जितने भी हमारे बिजनेस मैन हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारी दिवाली के साल भर की मेहनत होती है और हर महिलाओं को जो घर में बैठ के अगर वो दिन भर TV देख के समय गुजारती है तो बहुत सारे TV देखते भी रहो लेकिन कुछ काम करो। और हाँ, मुझे लगता है दिल्ली में ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में हर महिलाएं कुछ ना कुछ कर रही हैं और वो किसी भी एरिया में अपने आप को पूरा तरीके से प्रमोट कर रही हैं। तो आपने देखा हमारे साथ मैडम बताएंगे जी, हमने दिवाली मेला लगाया है अपने ब्लॉक के जो रेजिडेंट हैं वो लेडीज ने अपना पार्टिसिपेंट किया है, होम मेड आइटम हैं इसमें बहुत सारी बनी हुई और भी कई एसेसरीज हैं जो घर में यूज़ होनी है। दिवाली का टाइम है, करवा चौथ का टाइम है, इस त्यौहार पे जो सामान की ज़रूरत होती है वो सामान यहाँ पर लोग जो है लेडीज़ अपना सामान बेच रही हैं, बहुत कम दामों पर बेच रही हैं, वो कम से कम प्रॉफिट में काम कर रही हैं। और ये आयोजन हमने पहले बारी किया है, इससे पहले कभी ऐसा आयोजन हुआ नहीं है। हम मार्च में यहाँ पर प्रतिनिधि बन के आए हैं, मार्च में प्रतिनिधि बनने के बाद हमने होली मंगल मिलन का कार्यक्रम किया था, वो भी भव्य रूप से किया था। उसके बाद हमने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम किया, उसके अंदर हमारे ब्लॉक के बच्चों ने 45 बच्चों ने पार्टिसिपेंट किया, किसी ने डांस किया। मैम, अवेयरनेस ये है कि नॉट नेसेसरी कि कोई सेंटर खोले, जो आपके आसपास के लोग हैं आप उनके बारे में जाने और सिर्फ ह्यूमन वैल्यूज़ को अगर हम लेके चलते हैं तो कोई डिसेबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है और राधा दिन की हम किसी की कमियां निकालें। पहले आप अपना नाम बताइए। हाँ जी, मैं पारुल गुड़िया, मैं RWA मैनेजिंग कमेटी की मेंबर हूँ प्लस कल्चरल कमेटी की मेंबर हूँ। मैम, इस तरह ये आपने महिलाओं के लिए स्टॉल का वो किया, वो क्या विचार आपके मन में आया जो इस तरह के इसके बारे में? हमने सोचा कि ये ब्लॉक को मिलजुल के रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसी खाने सब मिलते हैं, सब आते हैं, पूरा ब्लॉक इकट्ठा होता है, आपने देखा होगा अंदर कितनी रौनक लगी हुई है। तो इतनी चहल पहल ब्लॉक में ऐसे नहीं होती, सब अपनी 25 से हूँ इधर। एक्चुअली मैं RWA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ एंड लुकिंग आफ्टर कल्चरल थिंग्स आल्सो। तो इस मेले में जो आपने कार्य किया है, किस तरह के प्लानिंग पे विचार किया और किस तरह आपने इन सबको प्रेरित किया? हम लोग पहले डिसाइड किए थे मतलब हाउ मेनी स्टॉल्स हाउ टू बी सेट अप एक्चुअली और उसमें कितना वैरायटी हम डाल सकते हैं, वो वैरायटी के बारे में सोचा था। और स्पेशली जो आगे सीजन, जो फेस्टिवल सीजन है,
फेस्टिवल सीजन के प्लानिंग करते करवा चौथ दीपावली ये सारी चीज को देखकर उस हिसाब से हमने स्टॉल्स हमारे साथ संस्था के कुछ मेंबर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कैसा रहा आपका ये संस्था के द्वारा आयोजन किया आपने, तो किस किस तरह और कितने लोग शामिल हैं आपके साथ, कुछ इसके बारे में बताएं। मैम हमारी पूरी टीम जैसा आप देख रहे हैं कि संवेदना एनजीओ की तरफ से सारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये यहाँ के बच्चों की तरफ से ही ऑर्गेनाइज किया गया है, दिवाली मेला ऑर्गेनाइज किया गया है, तो यहाँ पे बहुत सारे। आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं अशोक अग्रवाल RWO में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, AD ब्लॉक शालीमार बाग। सर हम जानना चाहेंगे ये आपके AD ब्लॉक में किस तरह का आयोजन किया जा रहा है और कुछ इसके बारे में। कल विजयदशमी का दिन था, भगवान राम अयोध्या में 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, उनकी प्रेरणा से और हमारी मैनेजर कमेटी और कल्चरल कमेटी के विशेष आग्रह पर ये दिवाली मेले का आयोजन किया गया है। Amongst the block people, so we wanted to invite them just to be united and enjoy in our block itself, not to go outside. सर जानना चाहेंगे इस मेले में सारी महिलाएं आपकी हाउसवाइफ हैं या कुछ जॉब से रिलेटेड हैं? नो, ज्यादा हाउसवाइफ हैं, कुछ उनकी फ्रेंड्स हैं। वो पदाधिकारी हो और ये हमारे यहाँ इस तरह का दिवाली मेला प्रथम बार हमारे टेन्योर में हो रहा है। इस दिवाली मेले में आप देखिए कितनी भीड़ है, ये सभी हमारी RWO के सभी साथियों का अथक प्रयास है और सभी हमारी महिला जो भी कल्चरल कमेटी की मेंबर्स हैं उन सब ने बहुत कहना चाहेंगे। ये देखिए मैं हमारा प्रथम प्रयासों में से एक है, जैसे हमने पहले सबसे पहले हमने होली का फंक्शन किया था, उसके बाद फिर हमने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का फंक्शन किया, उसमें भी हमने पहले से इम्प्रूवमेंट की, अब फिर इस फंक्शन में हमने पहले से और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। तो हमारे ही प्रयास है कि इससे कि पूरा ब्लॉक आपस में जुड़े, निवासी जितने भी हैं यहाँ पे वो सब। तो किस तरह आप इन महिलाओं के साथ खड़ी हैं, कुछ इनके बारे में बताएं आप। एक्चुअली हम यहाँ पे 1980 में ये कॉलोनी AD ब्लॉक जो है यहाँ पे रिहाइश शुरू हुई थी और RWO तब से है और फर्स्ट टाइम RWO में किसी महिला की एंट्री है, किसी कल्चरल RWO की मैनेजिंग कमेटी और इस बार हम जैसे आगे भी जो भी प्रोग्राम आएंगे हम दिवाली मेले का आयोजन, हमारी ये चेष्टा है कि सब साथ में मिलकर 15 अगस्त के बच्चों के डांस वगैरह। आप इस संस्था में कैसे जुड़े और क्या कार्य किया? मेरी नानी का टीचर को ले जाते हैं राम की नावे मर गए। आपने भी स्टॉल लगाया है? कौन से नंबर का है? बिल्कुल संवेदना सोसाइटी फॉर स्पेशल चिल्ड्रन के साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ और इसी फाउंडर है मिसेस कुसुम भुटानी, जिन्होंने हमें ये संवेदनाओं भरा माहौल दिया, हमें ये बगिया संभालने के लिए दी और अभी हम सीमा चोपड़ा जी की के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, सब मिलके काम करते हैं। ये दीप्ति मैम भी, सीमा मैम भी हमारे साथ, अभी भारती मैम भी हैं, अभी यहाँ मौजूद नहीं है वो हमारे साथ, उनको कुछ अपना काम था व्यक्तिगत। इसके बाद सभी पार्टिसिपेंट करने के लिए मीडिया व सभी सदस्यों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।